पटियाला में आम आदमी पार्टी ने शांति मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को जमकर घेरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ से आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी। दरअसल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने पटियाला में शांति मार्च निकाला और आपके इस शांति मार्च में जन सैलाब उमड़ पड़ा। देशभक्ति के गीतों के साथ केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ता रहा, लेकिन जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो उनके निशाने पर विरोधी ही रहे। उन्होंने कहा कि इन दलों से पंजाब की समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि आप ही एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की तरह पंजाब को आगे ले जा सकती है। तो दोस्तों, पंजाब के अंदर माहौल दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है ये पार्टियां और ये नेता। इनके भरोसे अगर हमने पंजाब छोड़ दिया तो ये पंजाब को बर्बाद कर देंगी। अब पंजाब को एक ही आदमी बचा सकता है, पंजाब का आम आदमी। आप सब लोग बचा सकते हैं, आप सबको, हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और आज मुझे बड़ी खुशी है। केजरीवाल ने बोलना शुरू किया तो प्रदेश सरकार पर भी जमकर तंज कसे। केजरीवाल ने कहा कि जिस पार्टी में कुर्सी की लड़ाई हो वो जनता का भला कैसे करेगी। आज मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, इनको किसी को पंजाब की परवाह नहीं है, पंजाब के माहौल की परवाह नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, वो कह रहा है मैं सीएम बनूंगा। सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, पंजाब की चिंता किसी को नहीं है। इतनी कमजोर सरकार आज तक मैंने कभी नहीं देखी। आज ये पंजाब सरकार पंजाब के अंदर शांति बहाल करने में नाकामयाब है। आने वाले चुनाव में पंजाब सरकार पलटनी है और एक ईमानदार सरकार लेके आनी है, ईमानदार पार्टी की सरकार बनानी है। दोस्त, काबिले गौर है कि चंडीगढ़ नगर निगम में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद नजर आ रही है और पार्टी पंजाब में पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि आप अपने मिशन पंजाब को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।